गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, दिस इज 9th चैप्टर ऑफ योर SST बुक, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, यानी कैसे हम मैसेजेस को अपने सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं. द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ह्यूमन इंटरेक्शन और रिलेशनशिप इज कम्युनिकेशन. यानी अगर हम किसी ह्यूमन से इंटरेक्ट करें या उससे कोई भी जो भी हमारा रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करके रखना चाहें, तो सबसे क्या है उसका बिल्डिंग ब्लॉक? कम्युनिकेशन. यानी अगर आप बातचीत करोगे तभी किसी से अपना रिलेशनशिप अच्छा बना पाओगे. वेदर इट इज वर्बल और नॉन वर्बल, चाहे आप बोलकर वो कम्युनिकेशन करो या बिना बोले. इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली और एफिशिएंटली, यू मे फील दैट पीपल डजंट अंडरस्टैंड यू और यू आर नॉट कनेक्टेड विद अदर्स क्लियरली. अगर आप कम्युनिकेशन अपना प्रॉपर नहीं रखेंगे या अच्छे से बात नहीं करेंगे उससे, तो आपको लगेगा या तो वो पर्सन आपको अच्छे से नहीं समझ रहा है या फिर आप उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो. दे कैन अफेक्ट योर रिलेशनशिप बोथ पर्सनल एंड एट वर्क प्लेस. और इसी कारण से आप अपने रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकते हो पर्सनली भी और वर्क स्पेस में भी. यानी जब भी आपके और आपके मदर यानी आप बात नहीं कर रहे हो तो उनको कैसे समझ में आएगा आप क्या फील कर रहे हो? तो आपका जब रिलेशनशिप खराब होता है, मम्मी से लड़ाई हो जाती है, तो आप क्या करते हो? पर्सनली यानी अंदर से तो परेशान रहते ही हो, आसपास भी सबसे चिड़े चिड़े से रहते हो. फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल सेंड मैसेजेस थ्रू अ मैसेंजर और अ हॉर्स राइडर. पहले जमाने में क्या होता था, जो लोग होते थे वो अपने मैसेजेस कैसे भेजते थे? या तो हॉर्स राइडर यानी घोड़े के ऊपर जो सवार होता है उससे, या फिर मैसेजेस भेजते थे किसी भी आदमी के कारण के साथ. ठीक है, पीजन्स वर ऑल्सो यूज टू सेंड मैसेज. फिर कबूतरों का इस्तेमाल होने लग गया, उनके गले में या पैरों में चिट्ठी बांधकर भेजी जाती थी. लेटर ऑन फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर डेवलप. मगर फिर बाद में फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी आने जाने के लिए सबसे फास्टेस्ट मीन्स और बात करने के लिए फास्टेस्ट मीन्स डेवलप होने लगे. थिंग्स टूडे हैव चेंज ऑल टूगेदर. और आज जो है सारी ही चीजें एकदम बदल चुकी हैं. हाउ डू यू सेंड लेटर्स? अब आप जो भी लेटर्स है वो कैसे सेंड करते हो? अ लेटर टू बी पोस्टेड ऑन वन दैट इज रिसीव्ड हैज ऑन इन द पोस्टल स्टैम्प. हाउ डू यू सेंड लेटर्स? कैसे भेजते हैं हम? अ लेटर टू बी पोस्टेड और वन दैट इज रिसीव्ड, यानी जो भी लेटर या तो हम पोस्ट करते हैं या रिसीव करते हैं उस पर एक पोस्टल स्टैम्प लगी होती है. द अमाउंट पेड फॉर द पोस्टल स्टैम्प इज एक्चुअली द फी टेकन फॉर ट्रांसपोर्टिंग लेटर. और उस स्टैम्प के लिए आपको पे करना पड़ता है, जो कि एक्चुअली में कौन सी पेमेंट होती है? आपके लेटर को ले जाने के लिए जो पेमेंट होती है वो जो है पोस्ट ऑफिस हमसे लेता है. मैसेजेस थ्रू लेटर टेक अ फ्यू डेज टू रीच. अगर आप लेटर्स से अपने मैसेज भेजोगे तो थोड़े दिन लगेंगे. देन दे आर सेंड आइदर बाय द रोड और रेल और ट्रेन. और आपका लेटर्स कैसे जाएंगे? अगर पास में है तो रोड से भी जा सकते हैं, मतलब बस से या फिर पोस्टल जो वैन्स होती है उनसे. दूर है तो रेल से भी जा सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा दूर है तो एयर से भी जाएगा. बट अ फ्यू डेज टू इट इज लॉन्ग पीरियड टू सेंड अर्जेंट मैसेजेस. मगर इसमें भी क्या होगा, आपको 2 से 3 दिन तो लगेंगे ही. अगर आपको अर्जेंट मैसेज भेजना तो कैसे पहुंचेगा 2 से 3 दिन में? Hence a telegram used to send messages a little faster. फिर क्या हुआ, इसी कारण के चलते टेलीग्राम इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो टेलीग्राम जो है थोड़ा सा जल्दी भेज देता था. इट टेक लेस देन अ डे. अब ये 1 दिन से कम जो है में है टेलीग्राम जो है आपका मैसेज भेज देता था. इट्स डेस्टिनेशन एनी वेयर इन द वर्ल्ड, चाहे डेस्टिनेशन कोई भी हो पूरी दुनिया में. दिस इज मेड पॉसिबल थ्रू टेलीग्राम लाइन्स कनेक्ट ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट. किससे पॉसिबल हुआ बेटा ये? टेलीग्राम लाइन से. और टेलीग्राम लाइन जो है ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, सब में. दीज लाइन्स हैज बीन लेड इवन अंडर ओशंस एंड सीज. और ये लाइन ओशंस और सी के अंडर भी है. अ लिटिल लेटर मैन मेड अनदर ब्रेक थ्रू इन द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन. दिस प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन द टेलीफोन. और उसके बाद और इन्वेंशन हुई, और इंसान ने एक और वर्ल्ड की जो कम्युनिकेशन की दुनिया है उसमें एक और इन्वेंशन करी, जो क्या थी? टेलीफोन, जो कि सबसे अमेजिंग, सबसे अच्छी अभी तक की इन्वेंशन थी. अनलाइक इट्स प्रीडिसेसर्स, पहले की तरह द टेलीफोन वर नॉट अ वन वे मीडियम. टेलीफोन जो था एक वन वे मीडियम नहीं था, यानी सिर्फ हमें लेटर नहीं भेजते थे कि एक दिन हमारा जाने में है दूसरे दिन उनका आने में है, बल्कि टू वे मोड ऑफ कम्युनिकेशन था. यानी अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाला अपना ओपिनियन या उस चीज के बारे में, अगर उसको कोई परेशानी है, वो सब हमें भेज सकता है.
दिस मीन्स दैट मैसेजेस कुड बी सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम. इसका क्या मतलब हो कि आप भेज भी सकते हो और मैसेज रिसीव भी कर सकते हो एक ही समय में. इनफैक्ट अ पर्सन कुड टॉक एनी वन फार और नियर, और किसी से भी बात कर सकता है चाहे वो किसी भी कंट्री में रहता हो. टूडे इट इज वेरी इजी टू टॉक टू एनी वन विद इन द कंट्री विद द फैसिलिटी कॉल्ड STD. और आज के समय में किसी से भी बात करना बहुत आसान है अगर वो आपकी कंट्री में, किस के कारण, जिसको हम क्या बोलते हैं STD, यानी सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग. टॉकिंग टू एनी वन आउटसाइड द कंट्री वुड रिक्वायर द ISD, मगर अगर आप कंट्री से बाहर, इंडिया से बाहर बात करेंगे तो आपको ISD लगेगा, जो क्या है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स डायलिंग फैसिलिटी एक होती है. इफ यू डू नॉट हैव अ फोन, अगर आपके पास फोन नहीं है, देन यू कैन यूज टेलीफोन बूथ. आप टेलीफोन बूथ में जा सकते हैं, PCOs में जा सकते हैं. फॉर द पर्पज विच यूजली ऑफर STD एंड ISD फैसिलिटी, ऐसे PCOs में जो STD और ISD कॉल दोनों करने में हेल्प करता है. अ टेलीफोन टिल रिसेंटली वॉज एन इमोबाइल ऑब्जेक्ट. टेलीफोन जो है इमोबाइल, यानी इधर से उधर नहीं ले जाया जा सकता था इस समय तक, जिस समय की अभी हम बात कर रहे हैं, STD, ISD और PCO के टाइम तक. दिस मीन दैट पर्सन कुड नॉट कैरी इट वेयर ही वॉन्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान टेलीफोन को, आपने देखा होगा ना तार वाली टेलीफोन आती थी, तो वो कहीं पर भी हम उठाकर नहीं ले जा सकते थे. टूडे देयर इज मोबाइल फोन, मगर अब आ गए हैं मोबाइल फोन, जिसको हम सेल्यूलर फोन्स भी कहते हैं, जिसको हम कहीं पर भी जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं. अ सेल्यूलर फोन टू इज टू वे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. सेल्यूलर फोन भी दो वे का मीडियम है, यानी दो जन बात कर सकते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं. लेट अस नाउ लुक एट फ्यू मोर मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइस, और अब हम देखते हैं कुछ और मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस. द पेजर इज वन ऑफ देम. एक तो है पेजर. पेजर क्या है, एक वन वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. पेजर जो है क्या देता है, रिटर्न मैसेजेस देता है लोगों को. हु हैज पेजर्स, जो दोनों के पास पेजर है तो रिटर्न मैसेजेस आप किसी को भी भेज सकते हो. इट इज डिवाइस मेड फॉर द पर्पस, एक डिवाइस है जो किस पर्पस के लिए बनाई गई है. देन देयर इज अ फैसिमाइल और फैक्स मशीन. फिर है फैक्स मशीन, यानी कोई भी अगर आपको डॉक्यूमेंट भेजना है तो ऐसे वो प्रिंट होकर आ जाता है जिसको भी आप भेजते हो. अ फैक्स मशीन ट्रांसफर एंड रिसीव रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली थ्रू टेलीफोन लाइन्स, यानी टेलीफोन की तरह होता है, और उसमें जैसे ही आप किसी को डॉक्यूमेंट भेजोगे वो ऐसे प्रिंट होकर आ जाएगा. यहाँ पर हम लोग पेजेस लगा के रखते हैं मैसेजेस के लिए. सो फार वी डिस्कस अबाउट द मैसेजेस बींग सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वन फैमिली टू अनदर. तो अब तक हम सब पढ़ चुके हैं कि कैसे एक फैमिली से दूसरी फैमिली, या फिर एक मैसेजेस से दूसरे मैसेजेस को हम कैसे भेज सकते हैं दूसरे तक और कैसे रिसीव कर सकते हैं. अब इसके आगे की वीडियो बेटा जो है यहाँ से हम लोग वीडियो 2 में पढ़ेंगे.